प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और डॉक्टर तनवीर अहमद खान ने की मुस्लिम समुदाय के लोगों से मीटिंग। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का पारा जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे ही हर पार्टी के उपचुनाव प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए जोरों शोरों से मेहनत में जुटे हुए और हर समुदाय के लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और डॉक्टर तनवीर अहमद खान ने मोहल्ला राज द्वारा स्थित गुड्डू खान के मकान पर एक मीटिंग को संबोधित किया। और वहीं डॉक्टर तनवीर अहमद खान ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और योगी जी के हाथों को मजबूत करें। और डॉक्टर तनवीर अहमद खान के प्रदेश सरकार द्वारा चल रही कई सारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया और उसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी काफ़ी योजनाएँ हमारी सरकार चला रही हैं और वह चाहती है कि इसका लाभ हर समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए। और वहीं मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा, तनवीर अहमद जिनका अपना एक वजूद है, जज्बा है और इनका मैंने रामपुर में मान सम्मान लोगों के मुंह से सुना है और ये पूरी मेहनत और मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से लड़ा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें जो कार्यकर्ता काम करता है वो अपने आप आगे बढ़ता है और किसी की भी मेहनत तपस्या बेकार नहीं जाती, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं भी बचपन से छोटा कार्यकर्ता था, छोटे कार्यकर्ता से मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष चुनाया, विधायक बनाया, मंत्री बना दिया। तो ऐसे हमारे तनवीर अहमद जी जो काम कर रहे हैं, इनकी भी कोई मेहनत बेकार नहीं है। इस बार परचम लहराएगा क्या यहाँ पर? परचम लहराए जिस मोहल्ले में जा रहे हो, जिस गली में जा रहे हो, हमारे हिंदू मुस्लिम समुदाय सबने एक भाव बना लिया है कि अब रामपुर से अत्याचार का अंत होना है, सब अच्छी रास्ता पर चल रहे हैं, सब बुराई को खत्म कर रहे हैं, अच्छाई को बढ़ रहे हैं।